नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि IRCTC से अपनी AC टिकट को बुक कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, AC टिकट बुक करने या कोई सी भी टिकट बुक करने के लिए आपके पास IRCTC रेलवे कनेक्ट का ID होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ID कैसे बनाते हैं तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख कर अपनी ID को बना लें और उसके बाद ट्रेन की टिकट बुक करें। सबसे पहले क्या करना है, जब आपके पास IRCTC ID बन जाएगा तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर में से, और इसको क्या करना है, आपको खोलना है। तो चलिए हम इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए ओके लिख रहा है, तो हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर हम लॉग इन हो जाएंगे, अपनी ID को डालकर लॉग इन हो जाएंगे। तो हम चलिए लॉग इन हो जाते हैं और यहाँ पर इस कैप्चर को हम डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेन सर्च करना है, ये जो है प्लेन माय जर्नी, इसमें क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको चढ़ना है, जहाँ से ट्रेन पकड़ना है वहाँ पर इसका नाम लिखना है, और जहाँ उतरना है वहाँ पर उसका नाम लिखना है। तो हमें नई दिल्ली चढ़ना है और डुमराव में उतरना है, जो बिहार में पड़ता है। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है, ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च करने की भी ऑप्शन है, आप इसमें जाकर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम न्यू दिल्ली लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर न्यू लिखा, जैसे दिल्ली आ गया, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर क्या करना है, अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। तो हम 11 मई को टिकट बुक करेंगे, तो हम 11 मई को टिकट, हम तारीख क्लिक कर लेते हैं, तो हम चॉइस कर लिए 11 तारीख को, 11 मई को, यानी 5वें महीना में 11 तारीख को, ओके कर देना है। उसके बाद सर्च पे करना है, यहाँ पर ट्रेन का सारे नाम आ गया है, आप जिस ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं उसमें आप बुक कर सकते हैं। तो हमें क्या है, गरीब रथ में करना है, तो हम इसमें देखते हैं कि खाली है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है खाली है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल के बारे में लिखा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एग्री कर देंगे, उसके बाद कंफर्म कर देंगे, और उसके बाद फिर ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा एड न्यू पैसेंजर, एड न्यू, तो हम इस पर जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, फीमेल हैं ईमेल हैं, वो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर चॉइस करेंगे। तो और उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लोअर बेड चाहिए, मिडल बेड चाहिए, ऑफर चाहिए, साइड ऑफर चाहिए, साइड लोवर चाहिए, ये सब लिखा है। तो हमें क्या करना है, लोवर चाहिए। इस पर करने के बाद यहाँ पे एड पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे एड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नाम उम्र सब डाल के, तो ये क्लिक हो जाएगा। तो और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी है, जो पहले से हम क्या करते हैं, बुक करके रखते हैं, नाम लिख के रखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, हम अपनी क्या करेंगे, कितने आदमी की टिकट बुक करना है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। तो हम ये जो, अगर आपको नहीं पता है कि ये डिटेल कैसे भरते हैं तो मेरे दूसरा वीडियो देख लेना। उसके बाद यहाँ पर अपनी नंबर डालना है, और उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर मकान नंबर डालना है, चाहे हाँ कुछ भी, अगर आपको नहीं पता है मकान नंबर तो वार्ड नंबर डाल दीजिए, वार्ड नंबर भी नहीं पता तो 1-2-3 डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर वार्ड डाल देते हैं, वार्ड 11 डाल देते हैं। वहाँ पर शहर का, जिस शहर के आप हैं, जहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का पिन नंबर यहाँ पर डालना है, तो हम यहाँ पर पिन नंबर भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी, अपनी गांव को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे हम क्या UPI करना चाहते हैं, इंश्योरेंस पे भी क्लिक कर देंगे, जो देखिए यहाँ पर UPI है और यहाँ पे इंश्योरेंस है, इस पर भी क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें आना है रिव्यू में, और यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब दिखा रहा है, पैसेंजर का नाम दिखा रहा है, दोनों पैसेंजर का नाम दिखा रहा है, और कहाँ से कहाँ जाना है देखिए यहाँ पर दिखाएगा, आनंद विहार से गाड़ी पकड़ेंगे हम और डुमराव उतरेंगे, क्योंकि ये दिल्ली में आनंद विहार नहीं है, उसी के बगल में है, तो ये आनंद विहार से खुलती है और डुमराव हमें यहाँ पर ले जाके उतारेगी। और नीचे आना है, यहाँ पर क्या करना है, अपनी कैप्चर को फिर भरना है, जिसे GJWU लिखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, भर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, उसके बाद JWU, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेट भी देख, पैसे भी दिखा रहा है कि आपका कितना पैसे, 2 टिकट का लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए पे कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर UPI लिखा है, UPI में आना है, और उसके बाद क्या करना है, देखिए पेटीएम से करना चाहते हैं पेटीएम से, नहीं तो
यहाँ पर लिखा है मल्टी पेमेंट, तो इस पर हम ओके कर लेंगे। आप फोन पे करेंगे, हम फोन पे कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करना है। और देखिए ये मेरा UPI ID है, तो हमें क्या करना है, इस पर पे क्लिक कर देना है। और हमें क्या करना है, हमारे पास जो भीम ऐप है उसमें इसका मैसेज आएगा, तो हम इसको जाके खोल लेते हैं और पेमेंट कर लेते हैं। जैसे अब इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद ये भी लॉगिन होने होगा। और देखिए यहाँ पर मैसेज आएगा पे के बारे में, तो यहाँ पर जन जाएंगे और इसको पे कर देंगे। पैसे को हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। चलिए हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है और ये थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर हमारा पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर बैक आना है और हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर देखना है। देखिए दोस्तों ये मेरा दिखा दिया, टिकट बुक हो गया। यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर दिया है G12 में और G3 में और G3 है कोच नंबर, बोगी नंबर, और 12 है और 14 है सीट नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो बस ये छोटा सा था ये जो AC के बारे में। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।